दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द बेस्ट वन हॉरर पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं सुनाने वाला हूँ ट्रक ड्राइवर्स के साथ घटी कुछ डरावनी घटनाएं। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये सच्ची कहानी डेविड की है। डेविड पेशे से एक ड्राइवर था, अब वो रिटायर हो चुका है और ये कहानी उस वक्त की है जब वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक चलाता था। एक बार उसके साथ एक बेहद ही डरावनी घटना घटी। एक रात वो ट्रांसपोर्ट का सामान लोड करके दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में उसका ट्रक खराब हो गया और जिस जगह में ट्रक खराब हुआ था वो एक सुनसान इलाका था जिसके दोनों तरफ भुट्टे के खेत थे। दूर दूर तक सिर्फ खेतों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल ये रास्ता डेविड के लिए नया था। असल में वो दूसरे एक हाईवे से जाने वाला था मगर उस हाईवे में आगे एक ब्रिज टूटा हुआ था और एक आदमी ने डेविड को इस नए रास्ते में भेज दिया था। डेविड इस रास्ते में आकर बुरी तरह से फंस चुका था क्योंकि ट्रक अचानक से खराब हो गया था और दूर दूर तक सिवाय खेतों के और कुछ नजर नहीं आ रहा था। डेविड काफी देर तक ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहा। उसने इंजन का बोनट खोल के भी चेक किया मगर उसे कोई खराबी नजर नहीं आई। इंजन भी ज्यादा गर्म नहीं हुआ था, डीजल भी आधी टंकी था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद थक हार कर डेविड ड्राइविंग सीट में जाकर बैठ गया। टेंशन में उसने एक सिगरेट सुलगाई और उसके कश मारने लगा। तभी उसकी नजर बैक व्यू मिरर पर गई। दूर से एक आदमी सड़क में चलता हुआ उसके ट्रक की तरफ आ रहा था। डेविड ने ट्रक की खिड़की से सिर बाहर निकाल के पीछे देखा। वो आदमी काफी नजदीक पहुंच चुका था। डेविड ट्रक से नीचे उतरा और जब वो आदमी नजदीक पहुंचा तो डेविड ने देखा वो आदमी वही था जो डेविड को मेन हाईवे में मिला था और जिसने डेविड को इस रास्ते के बारे में बताया था। डेविड ने उस आदमी से कहा, भाई अगर तुम्हें इस रास्ते में आना ही था तो मेरे साथ ही क्यों नहीं आ गए? उस आदमी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उसने डेविड से कहा, क्या हुआ, ट्रक खराब हो गया क्या? डेविड ने कहा, हाँ पता नहीं क्या हो गया इसे, अभी हाल ही में सर्विसिंग कराई थी। अब फिर भी अब क्या आप बता सकते हैं कि आसपास कोई मैकेनिक या कोई वर्कशॉप है? वो आदमी बोला, नहीं वर्कशॉप तो नहीं है पर यहां से कुछ दूरी पर एक स्क्रैप यार्ड है। वहां तुम्हें कई सारे खराब ट्रक, बसें और कारें खड़ी मिलेंगी। तुम वहां जाकर पता कर लो, शायद वहां कोई मैकेनिक मिल जाए। इतना कह के वो आदमी वहां से चला गया। वो उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ उसने बताया था कि वो स्क्रैप यार्ड है। डेविड ने अपने ट्रक के खिड़की दरवाजे लॉक किए और एक टॉर्च लेके बाहर निकला। तब तक वो आदमी न जाने कहां चला गया था। डेविड उसी सड़क में पैदल चलने लगा। आसमान में चांद पूरा खिला हुआ था जिसकी चांदनी में अच्छा खासा नजर आ रहा था। करीब 10 मिनट तक पैदल चलने के बाद उसे सड़क के किनारे एक बहुत बड़ी खाली जमीन दिखाई दी जिसमें कई सारे खराब जंग लगे हुए ट्रक, बसें और कारें खड़ी थी। उस पूरे स्क्रैप यार्ड में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था जिससे हल्की सी रोशनी हो रही थी। डेविड ने आवाज दी, हेलो कोई है, मुझे मदद चाहिए, यहां से कुछ दूरी पर मेरा ट्रक खराब हो गया है। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। तभी डेविड को एक आवाज सुनाई दी जैसे किसी ने लोहे की रॉड पर हथौड़ा मारा हो। डेविड उस आवाज के पीछे गया। हेलो, डेविड बोला। फिर से वही आवाज हुई। डेविड हाथ में टॉर्च थामे हर खराब कबाड़ हो चुके ट्रक, बस और कार के आसपास देख रहा था मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर से वही आवाज हुई। डेविड उसके पीछे गया। ये आवाज उस कबाड़ खाने के एकदम लास्ट वाले कॉर्नर की तरफ से आ रही थी। डेविड टॉर्च की रोशनी के सहारे उस तरफ गया और वो अब हर गाड़ी के अंदर टॉर्च की रोशनी डाल के देख रहा था।
तभी उसकी टॉर्च की रोशनी एक ट्रक के ऊपर पड़ी और डेविड ने देखा उस ट्रक की ड्राइविंग सीट में कोई बैठा हुआ था। बस उसी वक्त डेविड का टॉर्च अपने आप बंद हो गया। डेविड ने टॉर्च को अपने हाथ में पटका मगर टॉर्च नहीं जला। अब डेविड ने उस ट्रक की तरफ देखकर कहा, हेलो भाई साहब, मेरा ट्रक खराब हो गया है, कोई मैकेनिक मिलेगा? मगर उस खटारा जंग लगे हुए ट्रक की ड्राइविंग सीट में बैठे उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। डेविड ने ट्रक का दरवाजा खोला। ट्रक का दरवाजा खोलते ही एक बेहद ही गंदी बदबू आई। डेविड ने उस आदमी के कंधे में हाथ रखा और उसे हिलाया तो डेविड ने महसूस किया कि उस आदमी की बॉडी एकदम ठंडी पड़ी हुई थी और उसमें से सड़ने की बदबू आ रही थी। डेविड ने टॉर्च को अपने हाथ में जोर से पटका और इस बार टॉर्च जल उठा। डेविड ने टॉर्च की रोशनी उस आदमी के बॉडी के ऊपर डाली और जो देखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो वही आदमी था जो उसे हाईवे में मिला था और जिसने इस सड़क और इस स्क्रैप यार्ड के बारे में बताया था। डेविड वहां से वापस अपने ट्रक की तरफ भागा और उसने फिर से अपने ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से उसका ट्रक स्टार्ट हो गया। डेविड ने ट्रक का गियर बदला और ट्रक वहां से भगा लिया। उसके बाद उस इलाके से निकलकर डेविड ने पुलिस को उस स्क्रैप यार्ड में पड़ी उस डेड बॉडी के बारे में इन्फॉर्म किया। बाद में डेविड को पता चला कि ट्रक में पड़ी वो डेड बॉडी एक ट्रक ड्राइवर की थी जिसने आर्थिक तंगी और घरेलू झगड़ों की वजह से उस स्क्रैप यार्ड में जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। मेरा नाम समीर है। यह घटना तब की है जब मैं अलास्का के फॉरेस्ट एरिया में चल रहे कंस्ट्रक्शन में सीमेंट सरिया सप्लाई कर रहा था। मैं ट्रक चलाता था। पूरे दिन भर मेरा ट्रक कंस्ट्रक्शन साइट में लगा रहता और शाम को ही वापस शहर आता था। एक रात जब मैं वापस आ रहा था तब मुझे हाईवे के किनारे एक औरत परेशान खड़ी दिखाई दी। उसने ट्रक को देखकर हाथ दिया। उसे लिफ्ट चाहिए थी। बड़ी अजीब बात थी, मेरे से आगे इतने सारे ट्रक गए थे मगर उसने किसी से भी लिफ्ट नहीं मांगी। मेरा ट्रक सबसे पीछे था। मैंने उस औरत को देखकर अपना ट्रक रोका और उसे ट्रक में बिठा लिया। वो एक खूबसूरत औरत थी, 30-35 साल की रही होगी। उसने ब्लैक जीन और टी शर्ट डाला हुआ था। मैंने उससे पूछा कि यहां इस जंगल के बीच क्या कर रही है तो उसने बताया कि पीछे कुछ दूरी पर उसकी कार खराब हो गई है। उसने बाकी ट्रक्स को भी हाथ दिया मगर किसी ने भी ट्रक नहीं रोका। फिर वो बोली कि मैं उसे आगे किसी टाउन में छोड़ दूं, वहां से वो कोई मैकेनिक से मिल लेगी। जिस हाईवे में मेरा ट्रक चल रहा था उसके दोनों तरफ घना जंगल था। चारों तरफ अंधेरा था और मेरे ट्रक की रोशनी सड़क में दूर तक जा रही थी। मेरे से आगे वाले ट्रक अब तक बहुत दूर जा चुके थे। मैं चुपचाप अपना ट्रक चला रहा था। तभी मेरे ट्रक में एक जोर का झटका लगा, मानो जैसे मेरा ट्रक किसी गड्ढे में या किसी बड़े पत्थर के ऊपर से होकर गुजरा हो, जबकि मैं पूरी सावधानी से गाड़ी चला रहा था। सड़क एकदम ठीक थी, उसमें ना गड्ढे थे ना ही पत्थर। मैंने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा कि आखिर पीछे क्या था। मेरे ट्रक की टेल लाइट में मैंने सड़क के बीचों बीच किसी को लेटे हुए देखा। उसे देखकर मैं एकदम से घबरा गया। मुझे लगा शायद मैंने किसी को अपने ट्रक के नीचे कुचल दिया है। मैंने ट्रक रोका। मेरे बगल में बैठी औरत बोली, क्या हुआ? मैंने उससे कहा, कुछ नहीं, आप बस ट्रक से नीचे मत उतरना। इतना कह के मैं ट्रक से नीचे उतरा और पीछे सड़क में लेटी हुई उस लाश के पास गया। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा वो देखकर मेरे होश ही उड़ गए। वहां सड़क में एक औरत की लाश कुचली हुई पड़ी थी मगर वहां खून का एक कतरा नहीं था। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि वो उसी औरत की लाश थी जो अभी मेरे ट्रक में बैठी हुई है। मैंने डर कर ट्रक की तरफ देखा। ट्रक के रियर व्यू मिरर में दो आंखें मुझे ही घूर रही थी। तभी मेरे पीठ के पीछे एक हंसी गूंजी। मैंने झट से पलटकर पीछे देखा। पीछे सड़क में अभी कोई लाश नहीं थी।
मैंने वापस ट्रक की तरफ देखा। ट्रक के रियर व्यू मिरर में से भी अब वो दो आंखें गायब हो चुकी थी। मैं डरते डरते ट्रक के पास गया। ट्रक में अब कोई नहीं था। मैं तुरंत ट्रक में बैठा और उसे स्टार्ट करके पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ गया। जाते जाते मैंने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा। पीछे सड़क किनारे वही औरत खड़ी मेरे ट्रक की तरफ ही देख रही थी। मैं पूरी रफ्तार के साथ ट्रक दौड़ाते हुए शहर पहुंचा। ट्रक पार्किंग में लगाकर जब मैं उससे नीचे उतरा, तब मेरे बाकी साथी ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि आखिर मैं इतना लेट क्यों आया। तब मैंने उन्हें उस घटना के बारे में बताया। तब एक पुराने ड्राइवर जिसकी उम्र करीब 55 साल होगी, उसने बताया कि उस हाईवे में बहुत साल पहले एक औरत लिफ्ट मांग रही थी, मगर शराब के नशे में एक ट्रक ड्राइवर ने उस औरत के ऊपर अपना ट्रक चढ़ा दिया था। उस औरत की मौके पर ही मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा किसी ना किसी को लिफ्ट मांगते दिखाई दे जाती है। ये कहानी मैंने बचपन में मेरे पापा से सुनी थी। आज से करीब 25 साल पहले की बात है। तब मेरे पापा एक ट्रक चलाया करते थे। एक रात मेरे पापा अपना ट्रक लेकर उत्तराखंड की एक जगह बागेश्वर जा रहे थे। पापा शाम को हल्द्वानी शहर से बागेश्वर के लिए निकले। अंधेरा काफी हो चुका था। पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों में पापा का ट्रक तेजी से जा रहा था। सब कुछ ठीक था, मगर सिर्फ एक बात थी जो पापा को सता रही थी, और वो थी एक जगह जिसका नाम था काकड़ी घाट, जहां से गुजरने वाला हर एक ड्राइवर घबराता था, खासकर रात में। कहते हैं कि अक्सर काकड़ी घाट की सड़क में एक आदमी गाड़ियों को हाथ देकर रोकता है और माचिस मांगता है। पता नहीं ये बात हकीकत थी या सिर्फ अफवाह, मगर ये बात ड्राइवरों के बीच खासी प्रचलित थी। जैसे जैसे पापा का ट्रक काकड़ी घाट के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे पापा के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। ट्रक का कंडक्टर एक पौवा मार के गहरी नींद में सो चुका था। पापा ने ट्रक के एक्सीलरेटर पे पांव जरा जोर से दबाया ताकि जितनी जल्दी हो सके ट्रक काकड़ी घाट से निकल जाए। ट्रक पूरी रफ्तार से काकड़ी घाट की सड़क में दौड़ रहा था। तभी पापा ने ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में देखा, दूर सड़क किनारे दो तीन बंद दुकानें हैं और एक दुकान के सामने लगे बेंच में एक आदमी बैठा हुआ है। जैसे जैसे ट्रक उन दुकानों के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होती जा रही थी। पापा एक्सीलरेटर दबाते रहे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रक की हेडलाइट्स भी अपने आप जलने बुझने लगी और आखिर में ट्रक उन तीन दुकानों से कुछ दूर पहले ही अपने आप रुक गया। पापा ने ट्रक को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो स्टार्ट नहीं हुआ। पापा ने कंडक्टर को जगाया, मगर वो बेहोशी की नींद सो रहा था। अचानक ट्रक के बंद होने से हेडलाइट्स भी बंद हो गई और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। थोड़ी देर में पापा ने सामने उन दुकानों की तरफ देखा। पापा ने देखा उन दुकानों के सामने बेंच में बैठा वो आदमी चलते हुए ट्रक की ओर आ रहा था। वहां पे इतना अंधेरा था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इतना दिख पा रहा था कि कोई तो चल के उनकी तरफ आ रहा है। वो काला साया ट्रक की खिड़की के पास आया और बोला, ए भाई, माचिस है क्या? मेरे पापा ने गौर से देखा, खिड़की के पास एक धड़ खड़ा था जिसका सिर नहीं था। खिड़की के पास से फिर आवाज आई, भाई, माचिस है क्या? मुझे मेरा सिर ढूंढना है। वो दृश्य और वो आवाज सुन के पापा डर के मारे बेहोश हो गए और सुबह ही उनकी आंख खुली। सुबह काकड़ी घाट की वो तीन दुकानें भी खुल चुकी थी। पापा एक चाय की दुकान के पास गए और दुकान वाले से एक चाय बनाने को कहा और उसे पिछली रात की घटना के बारे में भी बताया। तब उस चाय वाले ने बताया कि कुछ साल पहले एक चलती हुई बस में से एक आदमी ने उल्टी करने के लिए अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। तभी सामने से एक बस आई और उस आदमी का सिर कटकर पता नहीं कहां गिर गया। बहुत ढूंढा गया, मगर वो सिर नहीं मिला और आखिर में काकड़ी घाट की नदी के किनारे उस आदमी का अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो भी बिना सिर के। तभी से वो अक्सर रात में यहां से गुजरती गाड़ियों को रोकता है और उनसे माचिस मांगता है। तब से अब जब भी पापा रात में उस जगह से गुजरते हैं तो एक माचिस का डिब्बा काकड़ी घाट की जमीन में फेंक कर ही आगे बढ़ते हैं। पापा को फिर कभी वो सिर कटा दिखाई नहीं दिया और ना ही उस जगह में कभी पापा की गाड़ी खराब हुई। तांडा के जंगल
हल्द्वानी। ये कहानी करतार सिंह की है। करतार सिंह एक रात अपना मिनी ट्रक लेकर रुद्रपुर हल्द्वानी हाईवे में टांडा के जंगल के बीच से गुजर रहा था। एक वक्त था जब रुद्रपुर हल्द्वानी हाईवे के बीच टांडा के जंगल बेहद ही कुख्यात माने जाते थे। वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को अक्सर यह हिदायत दी जाती थी कि वो अपनी लाइट्स ऑफ करके ही वहां से गुजरें, क्योंकि उस हाईवे में लूटमार की वारदातें बहुत होती थी। लेकिन समय के साथ साथ वो जंगल अब कट गए हैं और वहां से गाड़ियों की आवाजाही भी काफी बढ़ गई है। साथ ही हाईवे में एक पुलिस चौकी भी बन चुकी है, इसलिए अब वहां लूटमार का खतरा नहीं है। लेकिन कुछ साल पहले जब जंगल घना हुआ करता था, तब एक रात करतार सिंह वहां से गुजर रहा था, तब उसके साथ एक बड़ी ही भयानक घटना घटी, जिसे याद करके करतार सिंह आज भी सिहर जाता है। हुआ यूं कि एक रात करतार सिंह जब वहां से गुजर रहा था, उसने देखा टांडा के जंगल में सड़क किनारे एक खूबसूरत औरत खड़ी होकर करतार सिंह के ट्रक को रुकने का इशारा कर रही थी। करतार उसकी खूबसूरती देखकर उस पे मोहित हो गया। उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो किसी लुटेरों के दल की सदस्य हो सकती है। करतार सिंह ने अपना ट्रक उस औरत के सामने रोक दिया। करतार ने खिड़की से सिर बाहर निकाल के उस औरत को देखा और वो औरत मुस्कुरा के बोली, भैया इस जंगल से बाहर जाना है, क्या आप मुझे ले चलेंगे? करतार सिंह ने खुशी खुशी उस औरत को गाड़ी में बिठा लिया। करतार ने अपने ट्रक के अंदर की लाइट्स ऑन कर दी ताकि उस औरत को अच्छे से निहार सके। वो बार बार तिरछी नजर से उस औरत को देख रहा था, मगर वो औरत चुपचाप बैठी सामने ही देख रही थी। करतार सिंह ने चुप्पी तोड़ी और बोला, मैडम एक बात पूछूं, आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही थी? वो औरत कुछ पल खामोश बैठी रही, फिर बोली, मैं तो यहीं रहती हूँ, बाहर निकलना चाहती हूँ मगर निकल नहीं पाती। ऐसा बोलते हुए उसकी नजर एकदम सामने की तरफ थी, मानो जैसे कुछ ढूंढ रही हो। करतार सिंह को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने उस औरत को ऊपर से नीचे तक घूरा और एकाएक ही उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। करतार सिंह को समझते देर नहीं लगी कि वो एक चुड़ैल थी। करतार सिंह अब डर के मारे कांप रहा था। उसके माथे से पसीना तरतराते हुए गिरने लगा। वो औरत बोली, इतनी ठंड में तेरे पसीने छूटने लगे, डर मत, तुझे कुछ नहीं करूंगी, बस तू मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दे, फिर तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मरता क्या नहीं करता। करतार सिंह के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। वो ट्रक को फुल स्पीड में दौड़ाने लगा। उसने अब एक भी बार उस औरत की तरफ नहीं देखा। थोड़ी देर बाद टांडा के जंगल खत्म हो गए और जंगल के छोर पे एक मंदिर आया, बेल बाबा का मंदिर। मंदिर को देखकर करतार सिंह का डर थोड़ा कम हुआ। उसने तिरछी नजर से अपने बगल में उस औरत को देखा, मगर ये क्या, वो औरत वहां नहीं थी। करतार सिंह ने ट्रक के बैक व्यू मिरर में पीछे देखा, वो औरत सड़क किनारे खड़ी थी। करतार सिंह को अब पूरी बात समझ आ गई थी। वो औरत उस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी मगर निकल नहीं पाई, क्योंकि उस जंगल के दोनों छोरों पे एक एक मंदिर स्थापित किया गया था, जिसकी वजह से वो चुड़ैल उस जंगल में ही कैद हो गई थी और न जाने कितने सालों से वो उस जंगल में कैद है। वो कभी बाहर नहीं निकल पाई। आज उस जंगल में लूटमार तो नहीं होती, मगर रात में गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि उन्होंने सड़क किनारे सफेद साड़ी में एक औरत को खड़े देखा। मेरा नाम रामास्वामी है, मैं बेंगलोर में रहता हूँ और एक ट्रक ड्राइवर हूँ। एक रात की बात है, मैं ट्रक लेकर दूसरे शहर जा रहा था। मेरे ट्रक में कुरियर का सामान था और कुरियर में तो आपको पता ही है कि कुछ भी हो सकता है। सस्ते कपड़ों से लेके लाख लाख रुपए तक के महंगे मोबाइल, महंगे कैमरे, लैपटॉप, टैबलेट, कुछ भी हो सकता है। मुझे सुबह होने से पहले कोयम्बतूर पहुंचना था। मैं पूरी तेजी से ट्रक चला रहा था। ट्रक का कंडक्टर सीट के पीछे लंबी वाली सीट में सोया हुआ था। हम ऐसे ही बारी बारी से ट्रक चलाया करते थे। जब मुझे नींद आती थी तब वो गाड़ी चलाता था। हमने आधा सफर तय कर लिया था। ट्रक अभी एक जंगल के बीच से गुजर रहा था। दोनों तरफ घना जंगल और सड़क में हमारे अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी। मुझे अब नींद आने लगी थी और मैं सोच रहा था कि अपने कंडक्टर को जगाकर उसे ट्रक चलाने को बोलूं। नींद से मेरी आंखें बंद होने लगी थी कि तभी ट्रक में एक जोर का झटका आया, मानो जैसे ट्रक के टायरों के नीचे कुछ आया हो। मैंने ट्रक धीमा किया और बैक व्यू मिरर में पीछे देखा। पीछे रोड में कुछ गिरा हुआ था, कोई इंसानी कदकाया जैसा।
मैंने करीब 50 मीटर बाद अपना ट्रक रोक दिया और बैक व्यू मिरर में पीछे गौर से देखा। उस झटके से ट्रक का कंडक्टर भी जाग गया था। मुझे पीछे देखते हुए देखकर वो भी अपनी खिड़की से पीछे देखने लगा। वो जो चीज़ सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई थी वो अब हिलने लगी थी। चांद की रोशनी में दिख रहा था वो एक इंसान था जो दर्द से तड़प रहा था। मेरे ट्रक के नीचे एक आदमी आ गया। सोचकर घबराहट से मेरे पैर कांपने लगे थे। मेरी वजह से एक आदमी सड़क में मर रहा था। मैं उसकी मदद करने के लिए नीचे उतरने ही वाला था कि मेरा कंडक्टर बोला, नीचे मत उतरना। मैंने पलटकर आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, जल्दी ट्रक स्टार्ट कर और यहां से निकल। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, जो कहा वो कर। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। मैंने फिर से बैक व्यू मिरर में पीछे देखा तो वहां पे जो आदमी थोड़ी देर पहले जमीन में गिरा तड़प रहा था वो अब उसी जगह में खड़ा था और उसके साथ चार और लोग थे। वो लुटेरे थे जो गाड़ियों को लूटने के लिए ऐसे जाल बिछाया करते थे। मुझे पीछे देखता हुआ देखकर जब कंडक्टर ने भी अपनी खिड़की से पीछे देखा था तब उसने पेड़ के पीछे छिपे हुए दो आदमी देख लिए थे और इसी वजह से उसने मुझे नीचे उतरने के लिए मना किया। अगर उस रात मैं नीचे उतर जाता तो हमारे ट्रक का सारा कीमती सामान लूट लिया जाता और शायद हम भी मारे जाते। इसलिए कभी भी किसी सुनसान सड़क में गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। मैं तब से ट्रक चला रहा हूं जब मैं 25 साल का था। मेरा काम ज्यादातर रात में ही होता है। अलग अलग कंपनियों से माल उठाकर अलग अलग जगह में जाकर डिलीवर करना ही मेरा काम है। एक रात में कैलिफोर्निया के एक शहर से दूसरे शहर फर्नीचर का सामान लेकर निकला। निकलते निकलते ही अंधेरा हो गया था। जिस रोड में मुझे जाना था उस रोड में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता क्योंकि वहां से कम ही लोग गुजरते थे। चारों तरफ खूब अंधेरा। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक सिर्फ रेत और धूल से ढके हुए मैदान थे। ना कोई पेड़ ना ही कोई घर। उस सड़क में अगर मेरा ट्रक खराब हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मदद की गुंजाइश ना के बराबर थी। उस रोड में मेरे अलावा कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी इसलिए मैं फुल स्पीड में ट्रक दौड़ा रहा था कि तभी मैंने दूर रोड में खड़ी एक कार की हैजार्ड लाइट्स चमकती देखी। मैंने पूरी ताकत से अपने ट्रक के ब्रेक्स दबाए और मेरा ट्रक उस कार के एकदम पीछे जाकर रुक गया। वो एक काली रंग की शेवियर इम्पाला थी जो सड़क के किनारे हैजार्ड लाइट्स ऑन करके खड़ी थी। मैं अपने ट्रक से नीचे उतरा क्योंकि जो कोई भी उस कार में था उसको मेरी मदद की जरूरत थी। मैं कार के पास गया और उसकी खिड़की पे नॉक किया मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने झुककर खिड़की के कांच से अंदर देखा मगर कार के अंदर कोई भी नहीं था। तब मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर अंधेरा इतना था कि 20 कदम के बाद कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पता नहीं क्यों उस रात मेरे अंदर का मददगार इंसान पूरे जोश में था, मानो जैसे वो आज किसी ना किसी की मदद करके ही रहेगा। मैं वापस अपने ट्रक में गया और मैंने अपने टूल बॉक्स में से एक हैवी ड्यूटी फ्लैश लाइट निकाली जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि किसी की भी आंखों में पड़े तो उसकी आंखें 2 मिनट तक चुंधियाती रहें। जैसे ही मैंने वो फ्लैश लाइट जलाई मेरे सामने एक पुराना खंडर हो चुका पेट्रोल पंप दिखाई दिया जो थोड़ी देर पहले तक अंधेरे में छुपा हुआ था। वो पेट्रोल पंप पूरी तरह से मिट्टी और धूल से ढका पड़ा था। उसकी पार्किंग में मिट्टी धूल टूटी हुई टायर्स और खिड़कियों के टूटे हुए कांच बिखरे हुए थे। उस पेट्रोल पंप के पीछे एक छोटी टूटी हुई बिल्डिंग थी जो किसी जमाने में एक कन्वीनियंट स्टोर रहा होगा जहां से लोग कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लिया करते होंगे। रोड साइड खड़ी उस कार में जो भी था वो जरूर उस बिल्डिंग में होगा, सोच के मैं भी उस बिल्डिंग की ओर चल दिया। उस बिल्डिंग के मेन डोर पे पहुंचकर मैंने उसे खोला मगर वो दरवाजा जाम हो चुका था और बड़ी ही मुश्किल से आवाज करते हुए खुला। मैंने फ्लैश लाइट से अंदर देखा। मेरा अंदाजा एकदम सही था, वो एक कन्वीनियंट स्टोर ही था जो अक्सर पेट्रोल पंप्स में होते हैं। पेट्रोल पंप की तरह वो भी खंडर हो चुका था। मैंने आवाज दी, हे, कोई है यहाँ पे? मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। उस हॉल में मेरी ही आवाज गूंज रही थी जो उस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी मुझे किसी के जूतों की आवाज आई, मानो जैसे किसी ने टूटे हुए कांच या टाइल्स के ऊपर पैर रखा हो। उस हॉल में खाली पड़े हुए शेल्फ्स के पीछे से कोई हलचल सुनाई दे रही थी। मैंने फिर से मदद के लिए आवाज दी। तभी एक भारी मगर धीमी आवाज में कोई बोला, जाओ यहां से। मैं ये तो समझ गया था कि उसने क्या कहा मगर उसने ऐसा क्यों कहा ये समझ नहीं आया, वो भी इतनी धीमी आवाज में।
उस हॉल के दूसरे कोने से किसी की भारी और डरी हुई सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। बस इससे ज्यादा मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि वहां खड़ा रहूं। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं वहां से भाग के सीधा अपने ट्रक में आया कि तभी मुझे उस बिल्डिंग में से एक चीख सुनाई दी। 4-5 सेकंड्स तक मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। फिर मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया क्योंकि उस बिल्डिंग में वापस जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। पुलिस ने मुझसे एग्जैक्ट लोकेशन पूछी मगर मैं उन्हें सिर्फ इतना बता पाया कि मैं एक रेगिस्तानी इलाके के बीच हाईवे में एक पुराने बंद पड़े पेट्रोल पंप के सामने खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे लाइन में बने रहने को कहा और मुझसे कई और सवाल पूछे कि तभी मैंने देखा मेरे सामने खड़ी इम्पाला कार स्टार्ट हुई और पूरी रफ्तार से वहां से चली गई। मैं फोन कॉल में पुलिस से बात करने में बिजी था। कब कोई आया और उस गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया पता ही नहीं चला। मैं अपने ट्रक से उतरा और भाग के वापस उस बिल्डिंग में गया। पुलिस अभी भी कॉल में ही थी। मैं भागते हुए उस जगह पे गया जहां से थोड़ी देर पहले किसी की सांसों की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां पे ढेर सारा ताजा खून गिरा हुआ था। मैं सिर्फ कल्पना ही कर सकता था कि वहां पे क्या हुआ होगा। मैंने फोन में पुलिस को अपनी आंखों देखा हाल बताया। पुलिस ने मुझसे और जानकारी मांगी मगर वहां कोई डेड बॉडी नहीं थी ना ही कोई हथियार। मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाया। सिर्फ इतना बताया कि वहां पे काली इम्पाला कार खड़ी थी। मैं उस बिल्डिंग के अंदर गया। वहां एक आदमी ने मुझसे वहां से जाने के लिए धमकाया। फिर मैंने उस बिल्डिंग के अंदर से एक औरत के चीखने की आवाज सुनी। उसके बाद वो इम्पाला कार वहां से चली गई। पुलिस ने मुझसे कार का नंबर या कोई भी पहचान पूछी मगर मैं उन्हें कुछ भी नहीं बता पाया। पुलिस आई, उन्होंने ब्लड सैंपल्स लिए और वहां से चली गई। और मैंने अगले ही दिन अपने ट्रक में एक डैशबोर्ड कैमरा इंस्टॉल कर लिया ताकि अगली बार ऐसी कोई घटना हो तो कम से कम मेरे पास कोई सबूत हो। कसारा घाट, मुंबई नासिक हाईवे। मेरा नाम बसंत है। मैं मुंबई नासिक हाईवे के बीच एक ढाबे में काम करता हूँ। एक रात की बात है, मेरे ढाबे में एक ट्रक आया जिसके सामने की हेडलाइट्स टूटी हुई थी और सामने का कांच भी चकनाचूर हो चुका था। देख के लग रहा था मानो जैसे वो ट्रक किसी पेड़ से टकराया हो। उस ट्रक में से उसका ड्राइवर और कंडक्टर बाहर निकले। दोनों को हल्की फुल्की चोटें लगी हुई थी। उन दोनों ने पानी के ड्रम से पानी निकाला और हाथ मुंह धोकर पास ही पड़ी एक खाट में बैठ गए। वो दोनों डरे सहमे से लग रहे थे। मैं उनके पास गया और उनसे खाने का ऑर्डर लिया। क्योंकि ठंड के दिन थे तो मैंने उन दोनों के पास जलते कोयले से भरी एक अंगीठी रख दी। खाना लाकर मैंने उनकी खाट पे रखा और वहीं पास में से एक स्टूल सरका के मैं भी उनके पास ही बैठ गया। मैंने उनसे पूछा, भाई जी आपके सिर में चोट कैसे लगी और ट्रक में इतना नुकसान कैसे हुआ? ड्राइवर बोला, कुछ नहीं यार, कसारा घाट से आ रहे थे, अचानक सड़क के बीच में एक औरत पता नहीं कहां से आ टपकी। बस उसी को बचाने के चक्कर में गाड़ी पेड़ से जा टकराई। जब मैंने गाड़ी के शीशे में पीछे देखा तो पीछे वही औरत थी, बिना खोपड़ी के। सिर्फ उसका शरीर दिख रहा था पर उसकी खोपड़ी नहीं थी। काली साड़ी पहने हुए वो औरत चलते चलते जंगल में घुस गई। ऐसा बोलते हुए उसके चेहरे में डर साफ नजर आ रहा था। वो फिर बोला, पता नहीं सच था या मेरी आंखों का धोखा, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो कसारा घाट का नाम सुनकर ही मैं समझ गया था कि जो उन्होंने देखा वो आंखों का धोखा नहीं था बल्कि एकदम सच था। कसारा घाट का जंगल बहुत घना और डरावना है। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े ऊंचे पेड़ हैं और घनी झाड़ियां। इसी वजह से वो जगह कत्ल करके लाशों को ठिकाने लगाने के काम आती है। अक्सर वहां से कटे हुए सिर, धड़ और शरीर के बाकी अंग मिलते रहते हैं। रात में वहां से गुजरने वाली गाड़ियों को वहां पे काली साड़ी पहने एक सिर कटी औरत दिखाई देती है जो अपने सिर की तलाश में यहां से वहां घूमती रहती है। कसारा घाट का हाईवे सच में हॉन्टेड है। 2003 की बात है, रात का वक्त था। मैं दिल्ली कैंट एरिया से गुजर रहा था। तभी अचानक मेरी कार के सामने एक औरत आई और उसने कार को रुकने का इशारा किया। मैंने तुरंत ही कार के ब्रेक्स दबा दिए। ब्रेक नहीं लगाता तो शायद वो औरत मेरी गाड़ी से टकरा ही जाती। मैं दिल्ली में नया था और दिल्ली कैंट एरिया से पहली बार गुजर रहा था। तब वो जंगल बहुत घना हुआ करता था। मैंने कार रोकी और वो औरत खिड़की के पास आई। वो बहुत घबराई हुई और परेशान लग रही थी। वो रोते हुए बोली कि यहाँ से आगे कुछ दूर उसका बेटा सड़क किनारे तड़प रहा है, किसी गाड़ी वाले ने उसको टक्कर मार दी है, प्लीज़ उसको जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए, नहीं तो वो मर जाएगा। मैंने तुरंत ही उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। वो पिछली सीट में जाकर बैठ गई।
मैंने गाड़ी पूरी तेजी से भगाई। कुछ 3 किलोमीटर बाद मैंने देखा सड़क किनारे एक टूटी हुई एक्टिवा गिरी पड़ी थी और उसी के पास एक लड़का गिरा हुआ था। उसके सिर से बहुत खून बह रहा था और उसका एक पैर भी टूट चुका था। मैंने उस औरत से कहा, चलिए जल्दी उसको गाड़ी में बिठाते हैं। ऐसा बोल के मैंने पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए। पिछली सीट में कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो औरत चलती गाड़ी से कैसे उतर गई। खैर, मुझे उस घायल लड़के की मदद तो करनी ही थी। मैंने वापस सामने की ओर देखा मगर सामने ना कोई स्कूटी थी ना ही कोई घायल लड़का। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ना मैं नींद में था ना ही नशे में। फिर ऐसा भ्रम मुझे कैसे हो गया? मैंने फटाफट उस जंगल से गाड़ी बाहर निकाली और सीधा घर पहुंच गया। अगले दिन मैंने ऑफिस में अपने एक दोस्त को पिछली घटना के बारे में बताया। तब उसने जो बात मुझे बताई वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कुछ साल पहले उस सड़क में एक औरत अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी, तभी किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और वो दोनों माँ बेटे पूरी तरह घायल हो गए। उसके बेटे का बहुत खून बह चुका था और वो दर्द से तड़प रहा था। जैसे तैसे वो घायल माँ लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और उसने वहां से गुजरने वाली गाड़ियों से मदद मांगी। उसने हाथ जोड़े रोई गिड़गिड़ाई मगर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसके बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और कुछ देर बाद वो औरत भी मर गई। तब से लेकर आज तक वो औरत दिल्ली कैंट एरिया में राहगीरों से मदद मांगती दिखाई देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुने। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।